नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नटानी फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर्स में, जिसमें कि हम कंक्रीट इक्विपमेंट्स की स्टडी कर रहे थे। कंक्रीट इक्विपमेंट्स में हम लोगों ने, जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट की ग्रेड्स क्या होती है, उसके अलावा हमने कंक्रीट के प्लेस करने के लिए जो प्रोसीडर यूज करते हैं उसके बारे में भी हमने देखा था, जिसमें कि सबसे पहले बेचिंग आता है। बेचिंग में हमने दो तरह के बेचिंग पढ़ लिए थे, एक था वॉल्यूम बेचिंग और दूसरा था वेट बेचिंग। इसके बाद में हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, तो मिक्सिंग आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। मिक्सिंग क्या चीज है? मिक्सिंग एक बहुत ही जरूरी प्रोसीडर है कंक्रीटिंग में। कंक्रीट में जब हम बेचिंग के थ्रू जो अलग अलग इंग्रेडिएंट है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इनको मिक्स करना होता है। मिक्स करने का मतलब ये होता है कि इनको होमोजीनियस और यूनिफॉर्म इन कलर और कंसिस्टेंसी, मतलब हमें कंक्रीट को होमोजीनियस बनाना है, कलर में यूनिफॉर्म बनाना है और कंसिस्टेंट बनाना है। कंसिस्टेंट मतलब प्रॉपर वर्केबल बनाना है, जिससे कि कंक्रीट को आसानी से यूज किया जा सके। इस मिक्सिंग के लिए हम लोग यहाँ पे तीन तरह के मेथड्स यूज करते हैं। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वह है हैंड्स मेथड, उसके बाद में स्टेशनरी मिक्सर्स का हम यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में मेथड है रेडी मिक्स कंक्रीट। तो बारी बारी से हम सभी मेथड्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हैंड मिक्सर में। तो हैंड मिक्सिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कंक्रीट को हैंड स्टूल है उसके थ्रू मिक्स किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चूंकि मैनुअली वर्क हो रहा है, तो ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए, छोटी कंक्रीटिंग के लिए जनरली उपयोग किया जाता है, कम कंक्रीटिंग के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स किया जाता है, किसके थ्रू? हैंड टूल्स के थ्रू। हैंड टूल्स में क्या क्या हो सकते हैं? हैंड शोवल, जो आपके सिंपल फावड़ा वगैरह है, इन सभी से मिक्स किया जाता है हैंड मिक्सिंग टूल्स के थ्रू। अब जो कंक्रीट है वह लेस आउटपुट देगी, इस वजह से इसको वहीं पे यूज किया जाता है जहां पर आपको कम कंक्रीटिंग की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आता है हमारा सेकंड जो मिक्सर है, कंक्रीट मिक्सर स्टेशनरी। तो यहाँ पे जो मिक्सर्स है वो दो तरह के उपयोग में किए जाते हैं, एक फ्री फॉर मिक्सर और एक पावर मिक्सर। तो यहाँ पे अगेन जो फ्री फॉर मिक्सर है वो भी टू टाइप के है, और पावर मिक्सर्स है वो भी दो तरह के, दो प्रकार के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली स्टेशनरी मिक्सर्स उस जॉब साइट पे उपयोग किया जाता है जहाँ पे जो साइज है वो लगभग 9 क्यूबिक मीटर के आसपास या इससे ज्यादा की जॉब साइट हो। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्री फॉर मिक्सर की। तो फ्री फॉर मिक्सर क्या है? फ्री फॉर मिक्सर इज सुटेबल फॉर द कॉन्क्रीट विच 2 इंच मिनिमम स्लम एंड आर नॉट टू हार्ड। फ्री फॉर मिक्सर उस जगह पर यूज किया जाता है जहां पे जो मिनिमम स्लम है वो 2 इंच के से ज्यादा ना हो, मतलब कि कंक्रीट ज्यादा हार्ड ना हो। इस तरह के जो मिक्सर्स हैं वो साइट कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो जो कंक्रीट मिक्सर्स है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक टिल्टिंग मिक्सर और एक रिवर्सिबल मिक्सर। अब सबसे पहले हम देखते हैं टिल्टिंग मिक्सर। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो टिल्टिंग मिक्सर का, ये टिल टाइप मिक्सर है। इसमें क्या होता है, ये एक एक्सिस है, इसके सापेक्ष में जो ये मिक्सर है ये रोटेट करता है इधर से इधर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे
इसके थ्रू फिर इसको ये जो आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके सापेक्ष तो ये रोटेट करता है, और इसकी लोडिंग और अनलोडिंग इसको टिल्ट करके कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो एक ही ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अ कंक्रीट मिक्सचर इज ए डिवाइस दैट होमोजीनियसली कंबाइन सीमेंट एग्रीगेट सच एज सैंड और गेवर एंड वाटर टू फॉर्म कंक्रीट। कंक्रीट मिक्सर एक डिवाइस है जो कि सीमेंट एग्रीगेट और सैंड को मिक्स करने का काम करती है। ठीक है, इसका जो इन्वेंजन किया था वो किया था एक साइंटिस्ट थे, गेबार्ड जीगर। उन्होंने ये जो टिल्टिंग मिक्सर है, ये एक रिवॉल्विंग ड्रम होता है, और रिवॉल्विंग ड्रम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में घूम के लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है, और इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सीज है उसके सापेक्ष यह घूमकर मिक्स करता है। दूसरा आता है आपका रिवर्सिबल मिक्सर। रिवर्सिबल मिक्सर में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये टिल्ट नहीं करता है, ये इस डायरेक्शन के अंदर फिक्स होता है, यहाँ से ये रोटेट करता है। इसमें यहाँ से लोडिंग की जाती है और यहाँ से अनलोडिंग की जाती है। तो ये डायग्राम है आपके रिवर्सिबल मिक्सर का, यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्सिबल मिक्सर का डायग्राम। इसमें यहाँ से लोडिंग की जाएगी, फिर ये रोटेट करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप इस एक्सिस के सापेक्ष रोटेट कर रहा है, वहां पे वह परपेंडिकुलर एक्सिस के सापेक्ष रोटेट कर रहा था। यहां से कंक्रीट ढलने के बाद में कंक्रीट की अनलोडिंग पीछे के द्वार से कर ली जाती है, तो इस वजह से इसमें दो ओपनिंग्स होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन रिवर्सिबल मिक्सर द ड्रम हैज वन हॉरिजॉन्टल एक्सिस अराउंड विच द ड्रम रोटेट। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसके सापेक्ष जो ड्रम है वो रोटेट करता है। इसमें दो ओपनिंग होती है, एक मटेरियल ढालने के लिए और एक मटेरियल अनलोड करने के लिए। ठीक है, इसमें जो ऑपरेशन है वो सेल्फ होता है, तो ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटर और डीजल ऑपरेटर दोनों तरह से हो सकते हैं। इसके बाद में आता है पावर मिक्सर। पावर मिक्सर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।